इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन आईडोल के कुछ इम्पॉर्टेंट्स अपडेट आए हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर विंटर सेशन एमकॉम। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो है एडमिशन के जो रिगार्डिंग अपडेट आया है, डेट एक्सटेंड हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ जो रिजल्ट्स पेंडिंग है सेमेस्टर टू के और सेमेस्टर फोर के, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप आईडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से स्टडी कर रहे हैं, आप FY में हैं, SY में हैं, TY में हैं, MCOM, MA, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, बाकी जो अदर्स अपडेट्स हैं। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट्स अपडेट, अनाउंसमेंट, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, सारी अपडेट्स जो है मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, और फ्री PDF जो है मेरे ऐप पे और वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट फ्री में अपलोड करता हूँ, जिससे आप फ्री में ईजिली स्टडी कर सको। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट जो है हमें पे करके सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऐप पे, एक स्मॉल कोर्स बाय करके। तो कोर्स का जो लिंक होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिट है, उसमें फ्री है, आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो अपडेट है उसमें से सब जो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे एक थर्ड वाला जो कॉलम में है, ये सेमेस्टर 3 MCOM सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन डेट आया है, जो 5th of December 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि हमारा एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, जिसके अंदर जुलाई एंड जैन दिसंबर सेशन CBCS सेमेस्टर पैटर्न, मतलब जो ये सेमेस्टर 1 का MCOM और सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये सारे जो रिपीटर्स हैं उसमें जुलाई सेशन और जैन दिसंबर सेशन दोनों के स्टूडेंट हैं, तो उनका एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज के हिसाब से देखिए, ये दिसंबर में है। अगर मैं सेमेस्टर 2 की बात करता हूँ तो ये नवंबर में है, और सेमेस्टर 4 की बात करता हूँ तो अगेन ये नवंबर में। यहाँ पे दिया है कि एग्जामिनेशन टाइम टेबल बाद में डिक्लेयर होगा, बट डेट जो है ये कन्फर्म हो गया है। डिटेल्स ऑफ द हॉल टिकट्स अलॉन्ग विद द PNR विल बी प्रोवाइडेड स्टूडेंट थ्रू टेक्स्ट मैसेज बिफोर, क्या लिखा, फोर डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, 4 दिन पहले जो है आपको मैसेज आ जाएगा। और ये नोटिस है ये 13 तारीख को आया है, और ये नोटिस आज के दिन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट हुआ है। तो ये जो है आज के दिन 19 तारीख है, तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको पसंद आया होगा। उसके अलावा अब हम दूसरा बात करते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। तो अगर मैं एडमिशन के रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो एडमिशन का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये तो 15 सितंबर तक का दिया, इसके अलावा भी 30 तारीख तक हुआ है। आई विल शो यू, ओके, ये 15 सितंबर दिखा रहा है ना, इसका लेटेस्ट नोटिस मैं आपको बता रहा हूँ। नया नोटिस जो है ये वाला नोटिस है, जिसके अंदर जो डेट है वो एक्सटेंड करके 30 तारीख तक कर दिया है। और ये जो नोटिस आया था, ये आया था अगेन 13 सितंबर को ही जो है आया था, जिसके अंदर डेट है 30 तारीख तक कर दिया गया है सारे कोर्सेज के लिए। तो ये जो अपडेट आया, ठीक है, इसका जो इमेज था ये मैंने, ये जो PDF था ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट किया था। तो अगर आपने वहाँ पे नहीं फॉलो किया तो मेक श्योर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली उसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, बाकी लिंक का मुझे नहीं पता, तो आप लोग प्लीज़ सही सोर्स से ज्वाइन कीजिएगा। तो हमने एडमिशन के रिगार्डिंग भी जो है बात कर लिया, अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। तो मैं रिजल्ट सेक्शन में अगर मैं जाता हूँ आईडोल के, क्योंकि आईडोल का रिजल्ट जो है थोड़ा लेट अपडेट होता है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स अपडेट हुआ है लेटेस्ट के, जो TY BCOM सेमेस्टर 6 BAF के और जो BCOM के स्टूडेंट है उनके अपडेट्स हुए हैं सेमेस्टर 6 के। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ जो मेन रिजल्ट्स पेंडिंग है वो रिजल्ट्स पेंडिंग है TY BA सेमेस्टर 6 का, FY BCOM FY BA सेमेस्टर 2 का, और SY BCOM SY BA SY BAF SY BSc, बाकी जो अदर कोर्सेज हैं सेमेस्टर फोर के रिजल्ट पेंडिंग है। इसीलिए जो है अगर आप आईडोल की एडमिशन वाला जो डेट देखोगे, इस डेट मतलब ये जो PDF है, इस PDF के अंदर एक लाइन ऐड किया गया है, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आप देख सको, इसको क्लियरली पढ़ सको। स्टूडेंट्स ऑफ CDOE फॉर अकेडमिक ईयर 2022-23 आर हेयर बाय इन्फॉर्म
Their admission for next academic year will commence after results of the affirmations examinations are declared. जब तक आपका results नहीं आएगा तब तक आपका admission start नहीं होगा. तो जब results आ जाएगा उसके बाद आपका admission start होगा, तो आपको tension लेने की जरूरत नहीं है. जिनका results pending है, जैसे FYBCOM, FYBA, SYBCOM, SYBA semester 2, semester 4 के लिए, ठीक है. कुछ updates आएगा तो मैं मेरे YouTube channel पे, Telegram पे, Instagram पे update कर दूंगा. तो मेक श्योर आप वहां पे हमसे जुड़ जाएं, ठीक है. बाकी हमारे ऐप पे हमने कुछ कोर्सेज अपडेट किए हैं, आप एक बार जाके देखिए. अगर आपके रिलेटेड कोर्सेज नहीं अपडेट हैं और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर कोर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दें, ठीक है. वहां पे मैसेज कर दें, हम आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से जो कोर्स अपडेट कर देंगे, ठीक है. सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा. कैसे आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी आइडियल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा. जैसे कि आप वेबसाइट पे कैसे आके रिजल्ट चेक कर सकते हैं, एडमिशन का कैसे चेक कर सकते हैं. बाकी अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना है, आपके कुछ डाउट है, तो मेक श्योर ऐड कमेंट इन दी वीडियो. आई विल अपडेट ऑन पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है. पर्टिकुलर टॉपिक्स जो रहेगा उसके ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.